बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। और विकास के स्तर में तो आपको शिक्षा जगत से लेकर हर क्षेत्र में यहाँ इस शहर में देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर पूरी फैकल्टी आई, एक बहुत बड़ा विकास का काम हुआ। बिजनेस मैनेजमेंट रोजगार के मसले में भी कुछ लड़के कह रहे थे भाई कि सरकारी जो रोजगार है, सरकारी नौकरियां जो हैं उसको लेकर विवाद है, पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर। पेपर लीक इसी समाज से लोग जाते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं से कोई फॉल्ट हो गया, लेकिन महाराज जी का तो व्यक्तिगत जो नेचर है वो किसी भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। अब कोई पेपर लीक हो जाए तो वो हर कार्यकाल में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। सबसे बड़ी यूएसपी तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, सबसे बड़ी यूएसपी, और अगर पेपर लीक हो जाता तो ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर पे चूक है, नो डाउट, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन वो एक चूक है। लेकिन उस चूक पर भी वो बहुत कड़ी से कड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों दे चुके हैं, और उसका असर कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप कहें कि पेपर लीक हो जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि एक आध बार और पेपर लीक हो जाए। अच्छा। जो पैसा देने वाला है और जो पैसा पाने वाला है, लेने वाला है, इनकी खटिया खड़ी हो जाए, और यही परम पूज महाराज जी खटिया खड़ी करेंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे लोग। मैं चाह रहा हूं कि एक आध दो बार और पेपर लीक हो गया तो छात्र और नाराज हो जाएंगे, बहुत नाराज होंगे। अब देखिए, जो पेपर जो एग्जाम देने के लिए भरे हैं फॉर्म, उनके उसी पे एग्जाम होगा वही, और सब खर्चा परम पूज महाराज जी देंगे, ऐसा नहीं। मैं चाह रहा हूँ एक बार और ये लोग कर दे पेपर लीक, न पैसा देने वाला रहेगा न पैसा लेने वाला रहेगा, और महाराज तो कार्रवाई करबे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब हैं। कचहरी में क्या वकीलों के बीच का माहौल दिख रहा है इस बार गोरखपुर में? गोरखपुर का माहौल तो सीधा एक चीज जानिए, महाराज श्री के नाम पर है, वही होता है, उन्हीं के नाम पे वो इस शहर की चिंता। नरेंद्र मोदी फैक्टर है यहाँ पर। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते, हम महाराज जी को ही मानते हैं। अच्छा। चूँकि लंबे समय से जब अन्य भी सरकारें रही हैं, तभी भाजपा का मेयर, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद सदैव होता रहा, तो इस शहर के लोगों की आशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और पूरा शहर उनके साथ है, वो किसी को लड़ाना। जैसे आप लोगों ने वो केजरीवाल जी का वो बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि अगले चुनाव, इस चुनाव के बाद योगी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए, और ये बयान वाला चर्चा मेरा गोरखपुर के लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? उस बयान को मैं ऐसे देखता हूँ कि योगी जी का इतना बड़ा कद हो चुका है पूरे भारत में कि क्या कोई हटाएगा? योगी जी खुद न हटा दें जिसको चाहें, खुद न हटा दें इस भारत में। योगी जी का पूरे भारत में स्वीकारिता है, हिंदुत्व के एकमात्र ओरिजिनल चेहरा है, खर्रा खर्री चेहरा है योगी जी, तो योगी जी को कोई हटा क्या पाएगा? योगी जी तपे हुए सोना के वो शेर भी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, नहीं हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम अपनी बात रखना। ये जो विरोधी हैं, जैसे एक पर बता दूं एक लाइन, जो ये शेर बोल दिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं उसको बता दो, ये जो रोशनी में खड़े हैं, ये जो रोशनी में खड़े हैं वो जानते नहीं कि हवा चले तो चिरागों की जिंदगी क्या, हवा चले तो चिरागों की जिंदगी क्या। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।